नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट ERSSS यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, इसको आज हरी झंडी मिल गई है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले लाल फीता काटा और उसके बाद इसको हरी झंडी दी गई है, यानी कि ये जो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम है वो अब चालू हो गया है। नंबर नोट कर लीजिए, 112 यानी कि 112। जी हाँ, अब आपको कोई भी इमरजेंसी सुविधा चाहिए आप इस नंबर को डायल कर सकते हैं। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका लोकार्पण किया है और इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम की जो परियोजना है उसको आज चालू कर दिया गया है, उसको आज हरी झंडी दी गई है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका पर्दा हटाया, उसके बाद एक के बाद एक इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम की जो गाड़ियां हैं आप वो देख रहे होंगे कि किस तरीके से जा रही हैं, और अंदर में अधिकारी से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि कैसे ये पूरा काम करेगा। और साथ ही आपको बता दें कि अब एक नंबर, आप बस 112 डायल करते हैं और आपको सारी सुविधाएं मिलती है। पुलिस, एम्बुलेंस, फायर, हर चीज़ के लिए अब 112 डायल करना है और उस पर आपको तुरंत रिस्पांस दिया जाएगा। आप अगर इसके नाम को भी देखें तो उस तरीके से ही इसका नाम है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, जिसे शॉर्ट में ERSSS कहा गया है। इसका इस परियोजना का आज लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है और आप तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीके से जो एक के बाद एक कई सारी गाड़ियाँ हैं, ये जो गाड़ियाँ हैं ये इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम की गाड़ियां है। अगर आप 112 डायल करते हैं किसी भी आपातकालीन स्थिति में, अगर आप 112 डायल करते हैं तो आपके पास भी ये गाड़ियां मिनटों में पहुंच जाएंगी और आपको आपके आपातकालीन स्थिति से निकालने में आपकी मदद करेगी। पहले ये होता था कि हर चीज के लिए अलग अलग नंबर रहते थे, अगर आप हॉस्टल में जाते हैं, होटल में जाते हैं, कहीं भी, तो बोर्ड पे आप देखते थे कि फायर ब्रिगेड के लिए ये नंबर है, एम्बुलेंस के लिए ये नंबर है, पुलिस के लिए कॉल करने के लिए ये नंबर है। तो अब इस चीज को हटा के बस एक नंबर हो गया है, जी हाँ, जिसे नाम दिया गया है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS। इस परियोजना का आज, इस परियोजना जो है ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज हरी झंडी भी दे दी है और आज से अब ये गाड़ियां चालू हो गई है। यानी कि अब आप भी अगर 112 डायल करते हैं तो आपके पास भी इमरजेंसी में ये सुविधाएं उपलब्ध होती है। अब आपको फायर ब्रिगेड से लेकर या फिर हम बात कर ले हॉस्पिटल की यानी कि एम्बुलेंस की बात करें या फिर पुलिस की, अगर किसी भी चीज को अगर आपको आपातकालीन स्थिति में जरूरत हो तो आपको अलग अलग नंबर नहीं ढूंढने पड़ेंगे। अब आप 112 डायल करेंगे और आपके पास सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आप भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट ये है ERSSS, जिसका लाभ अब आपको मिलने जा रहा है क्योंकि इसको हरी झंडी मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसका फीता कट किया है और अब गाड़ियां, आप देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां निकल रही है, ये इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम की गाड़ियां है, एक के बाद एक, इसमें सारी सुविधाओं से ये लैस गाड़ियां है। अगर आप भी फ़ोन करते हैं तो आपके पास भी ये गाड़ियां पहुंचेंगी और आपको आपातकालीन स्थिति से निकालने में मदद करेगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।